फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर फोर्टी नाइन मैथेमेटिक्स की और उससे पहले एक स्पेशल नोट है सही बच्चों के लिए कि जो हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली जो वर्कशीट्स है वो हमारी पिछली वाली वर्कशीट आई हुई है यानी कि फोर्टी सेवन और फोर्टी एट आई वाली आई है तो आप उसी को कॉपी कर लीजिएगा और जो हमारी फोर्टी वाली है उसकी डेट क्या 29 है ट्वेंटी है आगे है बट कोई नहीं हम आज ही कर लेते हैं चलिए पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या पढ़ना है नया चैप्टर है पैरीमीटर और सर्कल का एरिया तो देखते हैं पैरीमीटर सर्कल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम चलिए पैरीमीटर ऑफ सर्कल सर्कल इसका फॉर्मूला है टू पाई आर ओके चलिए आगे देखते हैं और इसका अब सभी बच्चों को याद होगा कि इसका क्या निकालते हैं जो इसका एरिया है वो क्या होता है टू पाईआर स्क्वायर सॉरी पाईआर स्क्वायर होता है ये दे रखा है यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है सर्कल का इसे निकाल के बता रखा है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा पाईआर स्क्वायर होता है इसका क्या एरिया चलिए आगे करते हैं हमारे एग्जाम्पल दे रखा है पहला इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल अगर किसी सर्कल का पैरामीटर और एरिया इक्वल है तो देन यू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कल का डायमीटर फाइंड कीजिए तो हम देखते हैं क्या इक्वल है एरिया इक्वल टू पैरामीटर तो हम दोनों कर पाई तो करता और डी क्या होता है आर का डबल टू मल्टीप्लाई फोर यूनिट चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर डायमी सेंटीमीटर ईच हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन दस उसकाी और चक्कर काटने पड़ेंगे जब कार आवर की स्पीड से जा रही हो यानी दस मिनट में कितने चक्कर काटने हैं यह बारे में पता करना है चलिए सोल्यूशन निकालते हैं रेडियस क्या है व्हील की दे रखी हमें डायमीटर 80 तो रेडियस आ जाएगा हमारे 40 सेंटीमीटर अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 40 अपॉन हंड्रेड मीटर हम इसका सी यानी सर्कम्फ्रेंस निकालते हैं तो सी आता है क्या टू पाई आर इसका है वैल्यू पुट करें टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई फोर्टी अपॉन हंड्रेड हमारा मीटर में हमारा इसकी वैल्यू आई वन सेवेंटी अपॉन सेवनटी चलिए स्पीड है स्पीड को भी हम निकाल लेते हैं अब हम ये सबको मीटर और मीटर में क्यों निकालते हैं इसे इसलिए निकालें क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है तो हम सभी को एक इक्वल फॉर्म यानी मीटर में निकाल रहे हैं तो स्पीड है सिक्स किलोमीटर पर आवर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 55 फाइव अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर काटने में कितना यानी कितने चक्कर काट रहे आखिर तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन टेन मिनट्स व्हील द्वारा तय की गई दूरी दस मिनट के अंदर ठीक है और डिस्टेंस टाइवलाइट वील इन वन रिवॉल्यूशन और एक रिवॉल्यूशन में कितनी दूरी तय की गई एक व्हील द्वारा यानी हमारे कार के पहिए द्वारा तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम अपॉन टू पाई आर तो वैल्यू पुट कीजिए स्पीड का क्या है फिफ्टी है मल्टीप्लाई में टेन मल्टीप्लाई में सिक्सटी मल्टीप्लाई में सेवेंटी ठीक है ये सब हमने वैल्यू पुट कर दिया और नीचे में पाई आर स्क्वायर टू पाईआर है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर लास्ट में फोर थ्री फाइव सेवन फाइव यानी कि मिनट्स में रिवॉल्यूशन कितना लेगा हमारे व्हील ठीक है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज फोर्टीन सेंटीमीटर फाइन इट्स पैरामीटर एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है और हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना चलिए फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर क्या गिवन है डायमीटर दे रखा है फोर्टीन सेंटीमीटर रेडियस निकाल तो क्या आएगा सेवन सेंटीमीटर डायमीटर निकालना है पहले आपको फॉर्मूला याद है ना हाफ सेमी सर्कल उसका फॉर्मूला उसका क्या होता है पाई आर और प्लस में टू आर पहले तो हम उसका हाफ सर्कल का लेंगे पेरीमीटर और फिर आगे और जो वाला जो मिड वाला सेक्शन है आर आर उससे हम प्लस करेंगे ठीक है तो हमारा फार्मूला बनता है पाईआर प्लस आर प्लस आर तो वैल्यू पुट करेंगे आपको के पे आप क्या लिखिएगा इसका हम क्या निकाल तो रहे थे सरको फेरे निकाल रहे थे पेरीमीटर वहाँ पे पेरीमीटर लिख लीजिएगा मैंने गलती से लिख दिया डायमीटर वहां पे लिख दिया पैरिमीटर क्या है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ओके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा फाइंड द नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर वही व्हील ऑफ़ एरिया सिक्स पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ फाइव सेवेंटी टू मीटर एक व्हील का हमें क्या दे रखा है एरिया दे रखा है वो क्या है सिक्स पॉइंट वन सिक्स और उसको वो रोल करेंगे यानी कि डिस्टेंस फाइव सेवेंटी टू मीटर कवर करने के लिए हमारे जो व्हील है उसे कितने रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं तो हमें गिवन क्या है एरिया ऑफ व्हील दे रखा है सिक्स पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर अब हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं पाई आर स्क्वायर इक्व टू सिक्स वन सिक्स सिक्स वन सिक्स मीटर स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहे हैं ट्वेंटी टो पॉइंट सेवन और आर स्क्वायर हमें मालूम नहीं है तो चलिए सिक्स पॉइंट सिक्स आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सब वैल्यूज को उधर डाल देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा काट पीटने के बाद क्या आता है हमारा आर स्क्वायर इक्व टू थ्री जीरो एट मल्टीप्लाई सेवन अपॉन में हंड्रेड मल्टीप्लाई एलेवन अगे आर की वैल्यू हो गया है 196 100, डाल दिया, तो क्या बनता है पैरमीटर निका क्यों निकालेंगे क्या निकालूंगा सर्कल का पैरामीटर तो आर रिवॉल्यूशन बाय द व्हील रेवल्यूशन बाय द व्हील एंड टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड डिस्टेंस अपॉन अ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल डिस्टेंस हमें गिवन है 572, पैरामीटर ऑफ सर्कल हम डाल देंगे टू पाइया तो वैल्यू पुट करते हैं वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है फाइव सेवन टू अपन में टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट टू तो एन के हमारे वैल्यू क्या है सिक्सटी फाइव रिवॉल्यूशन यानी जो हमारी व्हील है वो कितने चक्कर काटेगी सिक्सटी फाइव रिवॉल्यूशन काटेगी फाइव सेवनटी टू मीटर एरिया को कवर करने के लिए ठीक है थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमें दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ़ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ़ ट्वेंटी फोर पर मीटर इज़ फाइव टू एट जीरो एक सर्कुलर फील्ड है उसमें हमने क्या कर दिए फेंसिंग में कर दिए फेंसिंग का रेट क्या आया है फाइव टू एट जीरो आया है और उसका सॉरी उसका कॉस्ट आया है फाइव टू एट जीरो और रेट क्या है ट्वेंटी फोर पर मीटर एक मीटर को लगाने का ट्वेंटी फोर रुपीज़ लिया है उसने फिर भी और फिर टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ और क्या करना है हमें उस खेत की जुताई करनी है प्लॉक करना है ठीक है उसका रेट है? है, क्या है जीरो पॉइंट फाइव पर मीटर यानी कि अठानवे रुपये ठीक है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ये हमें बताना है चलिए निकालते हैं क्या है टोटल कॉस्ट गिवन है हमें रेट मल्टीप्लाई सर्कुलर एरिया इक्वल्स टू गिवन कॉस्ट यानी हमने इसको हिसाब से हमारा आंसर क्या आया था रेट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सर्कुलर एरिया से तो हमारा आंसर आया फाइव टू एट जीरो यानी कि हमें कॉस्ट की वन है यानी कि जो हमारा सर्कुलर फील्ड था उसके चारों तरफ को जब हम क्या कहते हैं सर्कुल फेरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से तो हमारा गिवन कॉस्ट आया तो हम इसका वैल्यू को हम यूज़ करेंगे इसके लिए आर को निकालने के लिए तो हमारा आर इसके बाद क्या वैल्यू पुट करेंगे फाइव टू एट जीरो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी अपॉन सेवन मल्टीप्लाई में टू तो हमारी आर की वैल्यू आती है थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्या आई थर्टी फाइव सेंटीमीटर अब सर्कल का एरिया एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाईआर स्को वैल्यू डालें पुट करेंगे ट्वेंटी टूर पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई थर्टी फाइव मल्टीप्लाई थर्टी फाइव तो हमारा आंसर आया क्या थ्री एट फाइव जीरो अब कॉस्ट है रेड मल्टीप्लाई सर्कुलर एरिया यानी कि अंदर वाला एरिया तो हमारा आंसर आता है जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई में थ्री एट फाइव ज़ीरो तो आंसर आया 195, वन नाइन फाइव वन नाइन टू फाइव रुपीज यानी कि जो खेत को जोतने का जो पूरा रुपीस है रेट आया वो आया क्या वन नाइन फाइव वन नाइन टू फाइव रुपीस लगेगा ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है आपको वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू